चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कानपुर जेल में बंद इरफान सोलंकी से अखिलेश यादव मिलेंगे दोपहर करीब 2 बजे। इरफान से मुलाकात करने के लिए अखिलेश यादव पहुंचेंगे। पहले 20 दिसंबर को इरफान से मिलने का कार्यक्रम था, लेकिन उससे पहले ही अखिलेश यादव आज मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे। करीब 2 बजे के लगभग इरफान से मुलाकात होगी और इस मुलाकात के मायने बहुत ज्यादा खास है। MY फैक्टर को साथ करना है, बड़ा चेहरा है इरफान सोलंकी। कानपुर में आज की सुबह काफी सर्द है, लेकिन आज का सियासी पारा काफी ज्यादा तपिश भरा दिखने जा रहा है। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जिला कारागार कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी जो जेल में बंद हैं, उनसे मिलने पहुंचेंगे। उनके भाई रिजवान सोलंकी से मुलाकात करेंगे। लेकिन कानपुर में आज जिस तरह से सर्दी का सितम देखा जा रहा है, ऐसे में सियासी तपिश भी काफी ज्यादा महसूस की जाएगी। लगातार आरोप झेल रहे अखिलेश यादव आज इरफान सोलंकी से मिलने पहुंचेंगे। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी लगातार अखिलेश यादव पर यह आरोप लगाती आई है कि जब उनके कार्यकर्ताओं को उनकी जरूरत होती है तो वो मस्त होते हैं, अपने व्यस्त होते हैं अपने कार्यक्रमों में। मैनपुरी चुनाव और तमाम चुनावों की व्यस्तता के बीच वो इरफान सोलंकी से उस वक्त मिलने नहीं आ पाए या उनके साथ नहीं खड़े हो पाए जब उनको होना चाहिए था। ऐसे आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच अखिलेश यादव आज कानपुर देहात के दौरे पर हैं। बलवंत सिंह जिसकी पुलिस हिरासत में पिटाई करने के बाद मौत हो गई, परिजनों को श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद जिला कारागार में इरफान सोलंकी से मिलने पहुंचेंगे। आधे घंटे का कार्यक्रम है, 1:45 पर वो यहां पहुंचेंगे और ऐसे में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से जरूर होगी। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। और चलिए अब बात करेंगे बड़ी खबर की। कानपुर देहात से खबर, जहां पुलिस हिरासत में मौत के मामले में ये बड़ी जानकारी। मृतक बलवंत की पत्नी ने सरकार पर भरोसा जताया है। मृतक की पत्नी ने ABP गंगा से कहा कि सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने संसद की कार्यवाही छोड़कर हमारी मदद की और इंसाफ दिलाने का काम किया। मृतक की पत्नी ने यह भी कहा कि सांसद भोले सिंह की वजह से उनकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंची, अब उन्हें प्रशासन और सरकार से मदद का भरोसा है। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर सियासत अब तेज है। जहां एक तरफ अखिलेश यादव मुलाकात करने के लिए पहुंचने वाले हैं परिवार वालों से, वहीं दूसरी तरफ मृतक बलवंत की पत्नी ने सरकार पर भरोसा जताया है। ABP गंगा से मृतक की पत्नी ने कहा, सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने संसद की कार्यवाही छोड़कर हमारी मदद की और इंसाफ दिलाने का काम किया। मृतक की पत्नी ने यह भी कहा कि सांसद भोले सिंह की वजह से उनकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंची और उसके बाद उन्हें प्रशासन और सरकार पर पूरा भरोसा है। इस पूरे मामले पर सियासत हुई थी। बलवंत की पीट पीट कर मौत कर दी गई थी, जिसके बाद इस मामले पर सियासत तेज थी। एक पत्र भी अखिलेश को लिखा गया था, जिसके बाद आज अखिलेश यादव भी मुलाकात करने के लिए पहुंचने वाले हैं। मेरा नाम शालिनी, बलवंत सिंह, निवासी ग्राम सरैया, थाना सिवली, कानपुर देहात है। मेरे पति की रनिया थाने के अंदर पुलिस द्वारा जो निर्मय हत्या की गई है, हमारे क्षेत्रीय सांसद भोले सिंह जी ने दिल्ली में सांसद को छोड़कर मेरे पति का पोस्टमार्टम जिले के बाहर करवा कर और वहाँ उपस्थित होकर हमें न्याय दिलाने का काम किया और मेरी बात को मुख्यमंत्री तक पहुँचाया और मुझे शासन और सरकार पर भरोसा है। न्याय की तो बात चलिए, PM रिपोर्ट नहीं में मिल रही है। PM रिपोर्ट के 4 दिन हो गए, 3 दिन हमने एक अप्लीकेशन मांगी, अप्लीकेशन दे दी। अप्लीकेशन वाले जब हमने अप्लीकेशन दी तो कानपुर SP को, तो SP कहते हैं कन्नौज SP के पास चली गई है। क्या लग रहा है जो PM रिपोर्ट अभी तक नहीं दी गई है, तो उसमें मैं संदेह हो रहा है कि इसमें टारफेर कुछ हो रहा है। क्या हेर फेर की उम्मीद? हाँ बिल्कुल लग रही है भाई, क्यों नहीं दे जा रही हमको, दे देना चाहिए लगे। तो परिवार वालों का क्या कहना है वो आपने सुना, बलवंत सिंह की पत्नी ने क्या कहा वो भी सुना। पुलिस हिरासत में मौत के मामले में ये बड़ी जानकारी है, जहां सरकार पर बलवंत सिंह की पत्नी ने अब भरोसा जताया है। इस पूरे मामले को लेकर लगातार सियासत भी देखने को मिली है। तो क्या बड़ी बातें हैं बलवंत की पत्नी के बयान में, वो आपको बताते हैं। बलवंत की पत्नी को सरकार पर भरोसा है, ये उन्होंने खुद कहा है। बलवंत की पत्नी शालिनी को यूपी सरकार पर भरोसा है, उन्होंने कहा सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने उनकी मदद की है, भाजपा सांसद ने CM तक बात उनकी पहुंचाई है, सरकार से इंसाफ का भरोसा है, दोषियों को कड़ी सजा की उम्मीद है। तो ये तमाम बड़ी बातें बलवंत की पत्नी ने कही है। विपक्ष इस मुद्दे को
लेकर लगातार सरकार पर हमलावर था, कई सवाल उठाए जा रहे थे। एक पत्र भी परिवार की तरफ से अखिलेश यादव को लिखा गया, जिसके बाद आज अखिलेश यादव मुलाकात करने के लिए पहुंचने वाले हैं। विकास हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। विकास, इस मामले को लेकर सियासत पहले भी खूब हुई है और अब फिर लग रहा है कि जो पूरा मामला है अब नया मोड़ लेता जा रहा है, क्योंकि पत्नी ने कह दिया है कि उन्हें सरकार पर भरोसा है और दूसरी तरफ अखिलेश मुलाकात करने वाले जाने वाले हैं। देखिए, लगातार इस पूरे मामले में बलवंत की मौत पर सियासत बढ़ती जा रही है। एक दिन के अंदर 3 वीडियो जारी हुए थे, जिसमें मृतक की पत्नी शालिनी ने एक चिट्ठी लिखी थी अखिलेश यादव को, जिसमें उसने गुहार लगाई थी कि मुझे न्याय चाहिए और सरकार पर मुझे भरोसा नहीं है, जिसके चलते अखिलेश यादव आज उस परिवार से मिलने आ रहे हैं। वहीं मृतक ने फिर एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उसने कहा था कि अगर उसे इंसाफ नहीं मिला तो वो प्रधानमंत्री आवास के बाहर अपने बच्चों के साथ आत्मदाह करेगी। वहीं देर रात एक वीडियो और जारी हुआ है, जिसमें मृतक की पत्नी ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसने बोला कि मुझे सरकार पर भरोसा है। लगातार इस तरीके के वीडियो जारी हो रहे हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो दबाव है, फिर वो चाहे सियासी दबाव हो या फिर पारिवारिक राजनीति चल रही हो, लेकिन लगातार वीडियो कई सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर मृतक की जो पत्नी है वो हर बार क्यों एक नया वीडियो जारी कर रही है। वहीं परिवार में जो मृतक के चाचा हैं अंगद सिंह, उन्होंने पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि पिछले 5 दिनों से उनके जो बेटे की मौत हुई है, जो भतीजे की मौत हुई है, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी गई अभी तक, पुलिस उसमें टाला मटोल कर रही है। दूसरी बात यह है कि जो मृतक के पास पैसे थे, जो मृतक का मोबाइल था, वो अभी तक पुलिस ने उनके परिवार को नहीं सौंपा है। तमाम सारी वजह हैं जो निकल कर आ रही हैं, जिससे साफ बिल्कुल अभी देखने वाली बात होगी जब अखिलेश मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे, उसके बाद क्या तस्वीर सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आज काकोरी के शहीदों को श्रद्धांजलि योगी आदित्यनाथ देंगे। बलिदान दिवस पर काकोरी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। सुबह 10:30 बजे काकोरी में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। दिग्विजय नाथ पार्क में बलिदान दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। देश के सबसे बड़े ड्रोन शो में योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। यूपी के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह भी शामिल होंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, 2 दिन का गोरखपुर दौरा जिस पर योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं, सुबह 10:30 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर बाद काकोरी में कार्यक्रम का आयोजन होगा। दिग्विजयनाथ पार्क में बलिदान दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि देश के सबसे बड़े ड्रोन शो में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके साथ साथ केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी मौजूद रहेंगी। यूपी के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह भी शामिल होंगे। तो शहादत दिवस पर जयगान आज होगा। काकोरी के क्रांतिवीरों को सलाम किया जाएगा, जिसके लिए एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज शहीदों को श्रद्धांजलि योगी आदित्यनाथ देंगे। वही गोरखपुर में काकोरी के बलिदानों की याद में आज देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो होगा। इसमें 750 ड्रोन जंगे आजादी की गाथा को जीवंत करेंगे। शाम 5 बजे रामगढ़ ताल के सामने बहन दिग्विजय नाथ स्मृति पार्क में कार्यक्रम होना है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर योगी आदित्यनाथ रहेंगे। केंद्रीय संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी रहेंगी। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह भी मौजूद रहेंगे। काकोरी के नायकों की याद में प्रदेश सरकार 15 से 19 दिसंबर तक काकोरी बलिदान दिवस समारोह मना रहा है। आज अमर सेनानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का बलिदान दिवस है और आज भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। देश के सबसे बड़े ड्रोन शो जो कि आज देखने को मिलेगा, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह भी शामिल होंगे। काकोरी शहीद दिवस यूपी सरकार आज मना रही है। राम प्रसाद बिस्मिल का बलिदान दिवस है, जिसके बाद आज ड्रोन शो के जरिए अमर संदेश दिया जाएगा। तो गोरखपुर में कार्यक्रम का आज आयोजन हो रहा है। दिग्विजयनाथ पार्क में ड्रोन शो का आज आयोजन होगा। करीब 750 ड्रोन का प्रदर्शन आज कार्यक्रम में देखने को मिलेगा। भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ड्रोन से आसमान में महापुरुष दिखाए जाएंगे। रामगढ़ ताल के सामने ये कार्यक्रम होना है। सीएम योगी की मौजूदगी में ये ड्रोन शो होगा। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी भी मौजूद रहेंगी। इसके साथ साथ संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह भी मौजूद रहने वाले हैं। यूपी सरकार काकोरी शहीद दिवस मना रही है। राम प्रसाद बिस्मिल का बलिदान दिवस है
19 दिसंबर 1927 को फांसी इन्हें दी गई थी, जिसके बाद आज शहीदों को नमन योगी सरकार करेगी। यूपी सरकार की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। योगी आदित्यनाथ जिसमें मौजूद रहेंगे, 2 दिन का गोरखपुर का दौरा, उनके साथ साथ केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी रहेंगी मौजूद, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह भी मौजूद रहेंगे। रामप्रसाद बिस्मिल का आज बलिदान दिवस है, शहीदों को आज इस मौके पर नमन किया जाएगा। वहीं यूपी के कई जिलों में सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया है, सड़कों पर चलने से मुसीबत हो रही है, आमने सामने देखना भी लोगों के लिए दूभर हो चुका है। मेरठ, गाजियाबाद, रायबरेली में हालात लगभग एक ही जैसे बने हुए हैं। हालांकि ठंड का प्रकोप इस बार पिछले कई सालों के मुताबिक काफी देर से हुआ है, लेकिन अब कोहरे की सफेद चादर दिखने लगी है। दिल्ली एनसीआर की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर घना कोहरा छाया हुआ है, सड़कों पर भी लोगों को चलने में मुसीबत हो रही है, विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, आमने सामने से भी लोगों को देखना मुश्किल हो रहा है। मेरठ, गाजियाबाद, रायबरेली में हालात लगभग एक ही जैसे हैं, जहां पर कोहरे की सफेद चादर नजर आई है। यूपी के भी कई जिलों में सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है, सड़कों पर चलने में लोगों को दिक्कत हो रही है। सबसे ज्यादा दिक्कत जो सुबह के वक्त में अपनी दिनचर्या को करने के लिए घर से लोग निकलते हैं उनके लिए है, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। 3 तस्वीरें अलग अलग जगह की इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, लगभग एक ही जैसी तस्वीरें हैं, जहां पर आप कोहरे की सफेद चादर को देख सकते हैं। स्कूली वाहन जा रहे हैं, आने जाने वाले लोगों को गुजरना पड़ रहा है, लेकिन जो रफ्तार है वाहनों की वो धीमी पड़ चुकी है इस कोहरे की वजह से। तो कई जिले जहां पर सुबह से ही कोहरा छाया हुआ है, कोहरे की वजह से ठंड का प्रकोप भी बढ़ा है। दिल्ली एनसीआर में भी घना कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी काफी कम है, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को, वाहनों को दिक्कत हो रही है। मेरठ, गाजियाबाद और रायबरेली से तस्वीरें सामने आई हैं जो आप देख रहे हैं, जहां पर सुबह से ही कोहरा छाया हुआ है, वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है, कोहरे की वजह से, धुंध की सफेद चादर की वजह से बहुत ज्यादा विजिबिलिटी नहीं है। वहीं ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर हादसा हुआ, घने कोहरे की वजह से 6 दर्जन वाहन आपस में भिड़ गए हैं। सड़क हादसे में कई लोगों के घायल होने की भी खबर आ रही है। दादरी थाना क्षेत्र इलाके में यह हादसा हुआ। बड़ी खबर आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर यह हादसा, घने कोहरे की वजह से 6 दर्जन वाहन आपस में भिड़ गए हैं। सड़क हादसे में कई लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। दादरी थाना क्षेत्र इलाके में यह हादसा हुआ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको ग्रेटर नोएडा से दिखा रहे हैं। 6 दर्जन वाहन बताए जा रहे हैं आपस में भिड़े, कई लोग घायल हैं अस्पताल में, जिन्हें भर्ती कराया गया है। कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ है। पेरिफेरल हाईवे की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आज सुबह घना कोहरा होने की वजह से 6 दर्जन के लगभग वाहन आपस में भिड़ गए। सड़क हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्रेटर नोएडा से, तस्वीरें सामने आई है जहां 6 वाहन आपस में भिड़ गए हैं। विजिबिलिटी कम होने की वजह से यह हादसा हुआ है। सड़क हादसे में कई लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। कई गाड़ियां आपस में भिड़ी, जिसके बाद लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घने कोहरे की वजह से 6 वाहन आपस में भिड़े हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे की ये तस्वीरें हैं। जब यह हादसा हुआ उसके बाद वहां कुछ लोग मौजूद हैं, मौके से तस्वीरें सामने आई हैं, गाड़ियां किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुई हैं देखा जा सकता है। रविंद्र जैन हमारे संवाददाता सारा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र जैन, घना कोहरा, कोहरे की वजह से ठंड भी बढ़ी है और आने जाने वाले लोगों को तो दिक्कत हो ही रही है, लेकिन शुरुआती कोहरे में ही बड़ा हादसा है, 6 वाहन आपस में भिड़ गए। जी लगातार जिस तरह से देखिए ये हादसे के बाद जो कई वाहन एक के बाद एक भिड़ गए हैं, तो ये पहला कोहरा था, तो इसमें जो है विजिबिलिटी सड़क पर काफी कम थी, तो लोग जो स्पीड थी वाहनों की तो वो काफी धीमी थी, उसके बावजूद भी जो है तकरीबन 1/2 दर्जन वाहन भिड़ गए और उस पर कई लोग जो है चोटिल हुए हैं और घायल हुए हैं, उनको अस्पताल में पहुंचाया गया। कुछ लोग चोटिल थे तो उनको जो है छुट्टी दे दी गई, लेकिन कुछ लोग अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। जिस तरह से जो सुबह से ही रात से ही जो कोहरे का असर देखने को मिला था, पूरे दिल्ली एनसीआर को कोहरे ने अपनी चादर में आगोश में ले लिया था, तो उसकी वजह से जो है सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम थी और जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। स्पीड की जो स्पीड थी वाहनों की वो अपनी जो ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। बिजनौर में अज्ञात बदमाशों ने किसान को गोली मार दी, गोली लगने से किसान की मौके पर ही मौत हो गई।
खेत की रखवाली करने के दौरान किसान की हत्या का मामला सामने आया, जहां पुलिस ने किसान के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। मृतक के परिवार वालों का भी रो रो कर बुरा हाल है। थाना कोतवाली देहात के रेहमपुर जंगल का मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बिजनौर में अज्ञात बदमाशों ने किसान को गोली मारी है। और चलिए इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।